हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ K10 व्लॉग्स ऑफिशियल। और इस व्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं एक पार्क में, और वो पार्क में क्या ऐसा खास है वो मैं आपको वहाँ जाके ही बताऊँगा। और हम लोग अभी अपने दोस्त लोग का इंतजार कर रहे हैं यहाँ खड़े होके, और अभी टाइम 6 बज रहा है, देखते हैं लोग कब तक आते हैं। और अभी लेट भी हो रहा है, पूरा सूरज निकल चुका है। मैं सोचा था सुबह सुबह वीडियो बनाएंगे उसके बाद ख़त्म करेंगे, लेकिन लोग लेट पे लेट किए जा रहे हैं। देखते हैं कब आते हैं, कब वहाँ पहुँचते हैं। तो स्टे ट्यून, हम लोग मिलते हैं वहाँ पार्क के सामने। करण भाई, हम लोग यहाँ पर साइकिल स्टैंड क्यों कर रहे हैं? वो जो एरिया जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो थोड़ा अपन दूर साइकिल स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते वहाँ पर वहाँ के जो गार्ड जो चेकिंग के लिए आते रहते हैं वो लोग हमारा साइकिल देखे बाहर और समझ पाए कि हम लोग अंदर गए हैं। तो आइए अब चलते हैं पैदल पैदल। ओके ठीक है, तो आइए अंदर चलते हैं। ये कहीं से पार्क नहीं लगता, लेकिन पहले ये कुछ सालों पहले ये पार्क था। अभी इसका ख्याल ना रखे जाने की वजह से ये जंगल जैसा दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कैसा है। तो बता कहाँ जाए? राइट चलते हैं। लेफ्ट चलते हैं, लेफ्ट में कम दूरी। ठीक है चलो, लेफ्ट कहीं देखते हैं। आप क्या बोलते हो भैया, कहाँ चले? लेफ्ट चलते हैं। चलो लेफ्ट चलते हैं। हाँ देर इस गार्डन में घूमने के बाद, इस पार्क में घूमने के बाद पहली बार मतलब हम लोग को एक खाली जगह मिला है। और देख सकते हैं वहाँ बगल में रोड है, और मुझे जैसा लगता है कि यहाँ ये एरिया जो है वो बंद करने का यही रीज़न हो सकता है। यहाँ ठंडी के समय बहुत भालू आते थे, और वही रीज़न था यहाँ पर टूरिस्ट जो आते थे उन लोग परेशान हो जाते थे भालू वगैरह से, ख़तरनाक होता है वो। और देख सकते हैं इतना ये जंगली एरिया है कि यहाँ पर इतनी गर्मी में भी देखिए कितना कोहरा भरा हुआ है। चलिए और एक्सप्लोर करते हैं जगह को। यहाँ फोन चलाने आया, वीडियो बनाने आया भाई, चल रहा। एरिया को अबैंडेड छोड़ने का केवल एक रीज़न नहीं हो सकता, और वो बाकी रीज़न जो है वो मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाहूँगा पार्क के अंदर रह के, क्योंकि वो रीज़न बहुत ज़्यादा क्रीपी है। और तो आइए अब देखते हैं और क्या है। डरा क्यों रहा है यार तू? मज़ा आता है यार से काम करने। कि आप देख सकते हैं यहाँ का जो लैंड है पूरा वेस्ट हो रहा है, कोई यूज़ नहीं है, और इतने बड़े एरिया में यहाँ का लैंड फैला हुआ है फिर भी यहाँ का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। ये कम से कम 400 से 500 स्क्वायर यार्ड का तो कम से कम ये लैंड होगा ही। और रुकिए मैं अभी आपको इसको गूगल मैप्स भी दिखाता हूँ कि कैसा ये ऊपर से दिखता है। मैं ये पार्क में बहुत टाइम से घूम रहा हूँ, और मैं एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ हर एक डायरेक्शन में एक एक गेट दिया गया है, और यहाँ पर हर जगह फेंसिंग दिया गया, लेकिन कहीं कहीं फेंसिंग टूटा हुआ है। वहाँ पर भालू आया था इसलिए वहाँ का फेंसिंग टूटा हुआ है, और वहाँ पर वापस फेंसिंग लगाया जा रहा है। और आप लोग यहाँ क्या करो, वीडियो बना रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठने दे थोड़ी देर। अब चलते हैं, बैठने के लिए दिया गया है, तो आइए आराम से बैठते हैं। अब बस हम लोग यहाँ थोड़ा बैठ के रेस्ट करेंगे और फिर थोड़ी देर में घर निकलेंगे। घर के लिए जा ही रहे थे कि अचानक से हमको बेल का पेड़ दिखा, तो हमने सोचा कि चलो एक दो बेल तोड़ के देखते हैं कि इसके अंदर पका, वो पका है कि नहीं पका है। चलो
अब जाके बेल ढूंढो या तो बेल तोड़ो जाओ। मिला? करण को पहला बेल मिल चुका है। फोड़ के देख। ओ भाई बहुत सही बेल है, काफी टेस्टी है। ठीक है देखते हैं मेरा क्या था। हाँ तू भी अपना किस्मत आजमा ले। ये लग रहा बच्चा वाला है। आज का हमारा वीडियो शूट कंप्लीट हो चुका है और हम अब सोच रहे हैं कि हम घर जाने वाले हैं। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। पार्क में हम मज़ा बहुत आया। करण ने बहुत सारी मस्तियाँ की। करण ने जैसे कि बेल खाया। करण ये ऐसा था जो जिसने बेल खाया सबसे पहले, उसके बाद फिर वो हम लोग ने खाया। तो और फिर इस पार्क में बहुत सारी पत्तियाँ थी जिसकी वजह से बहुत सारा साउंड हुआ था, तो उसके लिए प्लीज़ आप इग्नोर करें। सो जगह बहुत बड़ी है और क्या बोलते हैं, ये जगह बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी फैली हुई हैं, क्रीपी चीज़ें ऐसी जो मैं अंदर आपको बताया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज कमेंट ड्रॉप करना मत छोड़ना। अगर कुछ गलतियाँ होंगी तो प्लीज कमेंट करना, हम लोग उसको अपने सुधारने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ दे, हाथ धोने लड़ाई कर लो।